भारत की सीमा में चीन की घुसपैठ से गुस्साए लोग कहते हैं कि चीनी कंपनियों के मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ डालो या नालियों में बहा दो। हो सकता है कुछ लोगों पर इसका असर भी पड़ा हो, लेकिन भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार पर इसका कोई खास असर होते हुए नहीं दिखाई देता। खबर है कि भारत चीन के द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 63% की वृद्धि हुई है, वो भी ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और कोविड-19 संकट अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल की पहली छमाई में भारत चीन के बीच 57.48 अरब डॉलर यानी 4,200 अरब रुपए से भी ज्यादा का व्यापार हुआ है। ये हाल के सालों में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिजनेस टुडे के मुताबिक चीन के सीमा शुल्क विभाग ने बताया है कि साल 2021 के पहले 6 महीनों में भारत ने चीन में 14.724 अरब डॉलर का निर्यात किया है। वहीं इसी अवधि में उसने चीन से 42.6 अरब डॉलर का आयात किया। चीनी सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि सालाना दर्ज होने वाली वृद्धि के हिसाब से चीन में भारत का निर्यात 69.6% तक बढ़ा है, जबकि चीन से आयात में 60.4% की बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 महामारी वैश्विक व्यापार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आई, लेकिन चीन के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ये साबित हुई। पूरी दुनिया समेत भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चीनी निर्यात में बड़ी वृद्धि की प्रमुख वजह रही। यहाँ चीन में बनने वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, मॉनिटर, दवाएं और अन्य मेडिकल चीजों का काफी ज्यादा आयात किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 में चीन ने भारत को 26,000 से अधिक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 15,000 से अधिक मॉनिटर, लगभग 3,800 टन चिकित्सा सामग्री और दवाओं का निर्यात किया था। इसी कारण महामारी के समय में भी चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी उछाल दर्ज की गई है। वहीं भारत के आयात की बात करें तो चीन में लौह अयस्क, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे की मांग ने इसमें बढ़ोतरी की। इस साल जनवरी से अप्रैल तक चीन ने हमसे कुल 20.28 मिलियन टन लौह अयस्क का आयात किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए इसके निर्यात से लगभग 66% अधिक है। साथ ही भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का लगभग 90% है। हालांकि जून माह में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में कमी देखी गई है। जानकारों के मुताबिक कोरोना मामलों में कमी के कारण जरूरी मेडिकल सामग्रियों की मांग कम हुई है, साथ ही लौह अयस्क व्यापार में भी गिरावट देखने को मिली है। सीमा विवाद और अन्य वजहों के चलते चीन में भारत का कुल व्यापार बीते 3 सालों में 5.6% कम हुआ है। उसके बावजूद चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी दुष्यंत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।